I, Asif Ali Zardari, that as President of Pakistan, I will discharge my duties. And perform my functions. Honestly to the best of my ability. Faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And the law. आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान बन गए। आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने 9 मुंतखब सदर से हल्फ लिया। आसिफ जरदारी ने हल्फ सदारत अंग्रेजी जुबान में लिया। तकरीब हल्फ बरदारी ऐवान सदर में हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक समेत अरकान असम्बली की तकरीब में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने भी शिरकत की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ की भी तकरीब में शिरकत। चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़रा आला, अहम सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सिफारतकार भी तकरीब में शरीक हुए। काबीना डिवीजन ने सदर आसिफ जरदारी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आसिफ जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर आज दिया जाएगा। चीनी सदर के आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने सी पैक की तामीर में नतीजा खेज नतज हासिल किए। पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों ममालिक ने बुनियादी मफादात से मुतालिक अमूर पर एक दूसरे की हिमायत की। ईरान के सदर की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात में फरोग के लिए पुरआज़्म है। ईरान पाकिस्तान के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुक कायम है। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। इब्तदाई तौर पर काबीना का हजम कम रखने का फैसला। पहले मरहले में वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा शामिल किए जाएंगे। इसाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद औरंगजेब की भी वफाकी काबीना में शमूलियत मुतवक्के। वफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान जल्द होने का इम्कान। पहले मरहले में वजारत खजाना, वजारत खारजा, वजारत तवानाई, वजारत मनसूबाबंदी, वजारत दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। वजारत इतलात, वजारत निजकारी और दीगर अहम वजारतों के वज़रा भी मुकर्रर किए जाएंगे। वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। नौ मुंतखब सदर आसिफ जरदारी नई वफाकी काबीना से हल्फ लेंगे। ये अगर लोगों के इल्ज़ाम हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है। अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना। उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें, और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं। मगर ये कि मैंने आईन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया, मैं कोई बहुत बड़ा आईनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। इस वक्त मुल्क को जोड़ने की जरूरत है। सियासी कुव्वतें और एस्टेब्लिशमेंट इस बात पर तवज्जो दें, मुल्क को जोड़ने के लिए सियासी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात बानी पीटीआई की रिहाई है। मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं। मैंने आईनी पासदारी की। गैर आईनी इकदाम का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। 9 वाकयात जिन्होंने कानून तोड़ा उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कशीदगी को कम होना चाहिए। मुशत 2 से 3 साल से जवाल का शिकार रही है। साबिक सदर आरिफ अलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायदे हिजबे इख्तलाफ के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफद की स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब का नाम दिया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में एहतजाज के दौरान पुलिस का एक्शन। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां। एमपी हाफिज फरहत और 50 से ज्यादा कारकुन भी गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद।
इजरा में एहतजाज के दौरान सलमान अकरम राजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यूटीए रहनुमा सरदार लतीफ खोसा को भी सदर गोल चक्कर से गिरफ्तार, बेटे की तस्दीक। लतीफ खोसा के खिलाफ पुलिस की मुदैयत में मुकदमा दर्ज। महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन महमूद और रुकन पंजाब असेंबली हारून अकबर को भी हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी एहतजाज, रावलपिंडी से इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। उनसे गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि कौम के सामने आए कि ये साजिश किसने की। आसिफ जरदारी इसी तोशाखाने से जिस चीज की इजाजत नहीं है, इलीगल तरीके से उसने गाड़ियां निकाली हैं। शहबाज शरीफ जिसने साबित हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग की, वो इस मुल्क का वजीर आजम है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मैंडेट चोरी के खिलाफ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा हमारा मुतालबा है तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाएं, बानी पीटीआई का फेयर ट्रायल और जल्द रिहा किया जाए। साइफर बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ साजिश थी, साजिश के पीछे आलाकार एक दिन सामने आएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की, अफसोस वो आज मुल्क के वजीर आजम हैं। आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां ली, अफसोस आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बन गए हैं। अपना हक मिलने बानी पीटीआई की रिहाई तक हम पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हम एक टीम बनकर करप्शन, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद करेंगे। केपी को एक मिसाली सूबा बनाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाएंगे। विरसे में मिली मेषत खोखली हो चुकी है। बानी पीटीआई ने 4 साल में मेषत की ईंट से ईंट बजा दी। मेषत को नए सिरे से खड़ा करना होगा। पूरे का पूरा मुल्क उधार पर चल रहा है। 7,000 अरब टैक्स वसूल होता है। कर्जों की अदायगी के लिए 7,300 अरब रुपए चाहिए। जब तक मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होता, जो भी सहूलत देंगे कर्ज उठा कर देंगे। दानिशमंदी ये नहीं कि कर्ज पर कर्ज लिए जाएं, हुकूमत की पूरी तवज्जो है अगले 2 साल में पैदावारी सलाहियत और आमदनी में इजाफा करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। जरदारी साहब ने हलक पे सदारत उठाया और चारों तरफ वो चेहरे जमाते और हैं कि जिन्होंने गुज़श्ता कई आयशरों से पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान के तोशाखाने को, पाकिस्तान के अमानतों को लूटा। दो हुक्मरान खानदानों ने इक्तदार पर कब्जा किया है। इन दो खानदानों की ये आखिरी हुकूमत होगी। इन दोनों खानदानों ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। अब हुकूमत मार्च के बिल 300 यूनिट तक ख़त्म करे। अब आवाम को धोखा नहीं दिया जाएगा। आसिफ जरदारी ने हल्फ उठाया, हम भी एक हल्फ उठाएंगे। जब तक हमारी जान में जान है, पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। अफसोस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी तकरीर में गजा का जिक्र नहीं था। हम सब मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। 27 रमज़ानुलमुबारक को अमरीकी सफारतखाने की तरफ मिलियन मार्च करेंगे। अगर हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो हम ईवान सदर या अमरीकी सफारतखाने दाखिल होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। पैकेज का हुजम बढ़ाने के अलावा दायरा का भी मजीद वसी करने की हिदायत जारी। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशिया खुर्द फराहम की जाएँ। आटे पर 77 रुपये और घी पर 70 रुपये फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी एक तकलीफ दे मनाजिर होते हैं जब आप देखते हैं कि जो
डिजर्विंग लोग हैं वो लाइंस में कतारों में लगे होते हैं और उनको ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिलीफ गुड्स जो हैं. गरीब आवाम का जो हक है हम उनको उनकी दहलीज तक पहुंचाएं. तो हमारा इसके पीछे ये था कि जो गरीब का हक है वो उसको तकलीफ उठाए बगैर उसकी दहलीज पर हम डिलीवर करें. वजीर आला पंजाब की सोच आवाम को हक उनके घर की दहलीज पर मिले की राह में अफसर शाही रुकावट. निगेबान रमजान पैकेज के तहत राशन के हुसूल के लिए आवाम धक्के खाने पर मजबूर. एक थैले आटे के हुसूल के बाद फोटो सेशन की अजियत का भी सामना. सोशल मीडिया पर रमजान निगेबान पैकेज की तरसील में बदनज़मी और अदम फराहमी की वीडियो वायरल हुई तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबाई कंट्रोल रूम जा पहुंची. जिम्मेदारान को सख्त वार्निंग. रमजान से कबल ही कमर तोड़ महंगाई. सब्जियां गरीबी दस्तरस से बाहर. प्याज और मिर्चों की ट्रिपल सेंचुरी. मार्केट में टमाटर 200, अदरक 600, लहसुन 800 रुपए किलो तक फरोख. अंडे 261 रुपए, ब्रॉयलर के नर्ख 573 रुपए फी किलो मुकर्रर. फलों की कीमतें भी आसमान पर. शहरों की कुतें खरीब खत्म. कहां जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े. ऐसा लग रहा है महंगाई का तूफान आ गया है. सरकारी नर्क पे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, ना कोई देने को तैयार है. आवाम को रिलीफ दिया जाए और बाकायदा तौर पे जो है यहाँ पर बंदे मौजूद हों जो आवाम को रिलीफ दे सकें. मुझे इतना मुश्किल लग रहा है चीज़ें खरीदना कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ और रमज़ान के लिए मैं क्या तैयारी करूँ. जो कोई पहले चीज़ थी 1000 की है वो 1500 रुपये की या फिर 1800 रुपये की है. फ्रूट तो अब आम गरीब बंदे तो ले ही नहीं सकते हमारी पहुँच से अलावा. सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया. पहला रोज़ा आज होगा. मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी मुमालिक में भी आज रोज़ा होगा. मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी. मस्जिदुल हराम में इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदेस ने इमामत करवाई. दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों ने नमाज तरावी अदा की. पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का इम्कान. पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हलाल कमेटी का अजलास पेशावर में होगा. चेयरमैन मरकजी रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद अजलास की सदारत करेंगे. दीगर जोनल और ज़िले रोयते हलाल कमेटी के अजलास भी बैक वक्त मुनक्किद किए जाएंगे. बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू. गवादर में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश. जोहरान सेस्ती चोड़ और मुलाहिका इलाकों के निचले इलाके ज़ेर-ए-आब. मूसलाधार बारिशों से दश्त की राबिता सड़कें बंद. मगरबी सिस्टम के कराची पर भी असरात. बल्दिया औरंगी सुरजानी टाउन हॉक्स बे मलीर में हल्की बारिश. मौसम खुशगवार.